नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के पांच ऐसे मूल मंत्र के बारे में देखेंगे, जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो आपको जिंदगी में कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा। किसी भी सेक्टर में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, निफ्टी 50 के अंदर हो, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप SIP म्यूचुअल फंड या किसी इंश्योरेंस कंपनी में भी एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मंत्र आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट आप इसमें से मिस मत कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिससे आप अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये मूल मंत्र दुनिया के और शेयर मार्केट के सबसे दिग्गज व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर उन्होंने इतनी महारत इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में अगर हासिल करा है, तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात कर रहा था वॉरेन बफेट, आपने नाम सुना होगा, जो कि दुनिया में शेयर मार्केट के सबसे दिग्गज निवेशक माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो देखने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट दुनिया के शेयर मार्केट के सबसे दिग्गज निवेशक माने जाते हैं, और वो अमेरिका की एक कंपनी वर्कशायर हैथवे के CEO हैं। और जब भी शेयर मार्केट की अगर बात करते हैं आप, तो उनकी एक एक चाल पर पूरी दुनिया के जितने भी निवेशक हैं उनकी निगाहें रहती हैं कि वो अभी कहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किन शेयर्स के अंदर कर रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा उनके एक्सपीरियंस के तौर पे जो उन्होंने मूल मंत्र लोगों को दिए हैं, उसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं उनके कौन कौन से ऐसे मूल मंत्र हैं। सबसे पहला है, बढ़त तो तय है लेकिन सचेत रहें। दोस्तों, शेयर बाज़ार में आपको फ़ायदा मिलना है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100% आपको ग्रोथ मिलनी है, लेकिन आपको साथ में सचेत और सतर्क भी रहना होगा कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2008 और अभी COVID-19 के दौर में सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में मंदी आई हुई थी। जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उनको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके पहले जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, उस मंदी के दौर में उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, अगर उन्होंने उसी समय अपने पैसे को विड्रॉ किया है। तो ऐसे समय में आपको सचेत और सतर्क रह करके समय देना होगा, ताकि जब मार्केट अच्छा हो उस समय आप विड्रॉ करें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो खास करके आपको प्रॉफिट है शेयर मार्केट में, लेकिन आपको ध्यान दे करके इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, सेकंड मूल मंत्र है, शेयर बाज़ार को जुआ ना समझें। बफेट अब भी इक्विटी यानी शेयरों को निवेश का मजबूत साधन मानते हैं, लेकिन साथ में उनकी यह चेतावनी भी है कि शेयर बाजार को जुआ ना समझें। आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि इक्विटी से आपको लॉन्ग टर्म में बॉन्ड, ट्रेजरी आदि के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलना तय है, बशर्ते आप इसे जुए का साधन ना बना लें। तो सिंपल, बफेट का यही कहना है कि आप अगर शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो अपने दिमाग से एक चीज़ ये निकाल दें कि आप अगर आप इस माइंडसेट से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप वहां पर अपना माइंडसेट को चेंज करें, वहां पर आप ये सोचें कि आप किसी कंपनी में एक हिस्सेदार बन रहे हैं,
जितना भी आपका शेयर है उतने परसेंट का आप उस कंपनी के ऑनर हैं। इस सोच के साथ आप शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। दोस्तों तीसरा मूल मंत्र है, गलतियां स्वीकार करें और उसे दुरुस्त करें। बफेट का कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं या आप कहीं इन्वेस्टमेंट में से जुड़े हुए हैं, अगर आपने कहीं पर कोई गलती करी है तो आप उसे स्वीकार करें, ना कि किसी दूसरे के ऊपर उसे ढोलने का काम करें। और जो गलती हुई है उससे आप ये सीखें कि आगे मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। क्योंकि बफेट ने भी एविएशन के शेयरों को लेकर काफ़ी बुलिश थे। उन्होंने COVID-19 से पहले कई एयरलाइंस के शेयरों में जमकर निवेश किया था, लेकिन यह उनके लिए एक झटका साबित हुआ था। इसलिए अप्रैल में उन्होंने उन सबको बेच दिया और ये स्वीकार किया कि एक गलती हुई है और ये उनके लिए एक सबक था। तो अगर इतने बड़े दुनिया के दिग्गज शेयर मार्केट के निवेशक बफेट ने अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, इनकी जानकारी होने के बाद भी उन्होंने गलत शेयर ले लिए थे और इसीलिए उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया और उनके जितने भी शेयर थे उसे वहीं पर बेच करके जो भी नुकसान हुआ वहां से छुटकारा पा करके नए सिरे से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो हमें भी अगर कोई गलती हमसे हुई है तो उसे स्वीकार करके और उससे सबक सीख करके नया इन्वेस्टमेंट नए सिरे से वापस स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों चौथा मूल मंत्र है, इंडेक्स निवेश सबसे अच्छा तरीका है। वॉरेन बफेट का कहना है कि एक आम निवेशक के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें, यानी कि इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। उनका कहना है कि कई फाइनेंशियल सलाहकारों से सलाह ले करके और उसमें अगर आपको नुकसान हो रहा है तो इससे अच्छा है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर आप सेंसेक्स के 30 कंपनियों या निफ्टी 50 की कंपनियों में निवेश करें या इंडेक्स की और भी जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा मूल मंत्र है, कर्ज के भरोसे जिंदा ना रहें। बहुत ही खास बात है, वॉरेन बफेट का भी कहना है कि अगर आप कर्ज के भरोसे काम कर रहे हैं या कर्ज के से लिए हुए पैसे के बल पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और अगर आज के समय में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोगों का क्रेज जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही है, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक भी है। जहाँ तक हो सके हमें क्रेडिट कार्ड और कर्ज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उधारी के पैसे से कभी भी आप जिंदगी में अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपके पास पैसा है जब भी आप अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करें, ना कि किसी से पैसे ले करके इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास नहीं है तो पहले आप काम करें, पैसे को इकट्ठा करें और उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करें। तो दोस्तों ये पांचों मूल मंत्र आपको कैसे लगे ये कमेंट करके आप बताइएगा। साथ ही अभी भी चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।